please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मौजूद जी हाँ, ब्रेक पे बात हुई थी, जहां पे छोड़ी थी वहीं से शुरू करूंगा। जी हाँ, वो मुद्दा नहीं जिस पे बात हो रही थी, पद्मावती झांसी वाली बात नहीं, वहां पे नहीं, वो तो आऊंगा मैं उस पर नहीं। बात यहां पे खत्म हुई थी कि आंसू आपने पूछे या नहीं पूछे। जी हाँ, मैं जानता हूं, मैं सरकार से इस बात की इल्तजा करना चाहूंगा, ये वो लोग हैं जो प्लेसमेंट एजेंसी का शिकार होते हैं। 500 रुपए तो आज सिर्फ एंट्री के लिए लिए गए, 1000 रुपए इस बात के लिए जाएंगे कि मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, उसके बाद 1900 रुपए और इस बात के आपको जॉब मिलेगी और जॉब फाइनल मिलती नहीं। अब आप सोचिए, जिसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, नौकरी ढूंढ रहा है और वो इनका शिकार होता। प्लीज, इन प्लेसमेंट एजेंसी पर नकेल कसी आनी चाहिए। क्यों नेताजी? मीडिया के जरिए और अदर जरिए से लोग बाग प्लेसमेंट के जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं अखबारों के अंदर के साहब हम आपको नौकरी देंगे, और नौकरी के नाम पर जब वहाँ पे क्लाइंट जाता है तो उससे पैसे की मांग होती है, डिमांड होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पे लूटा जाता है और कई लोग अपने डॉक्यूमेंट्स दे के आते हैं। मुझे मालूम है आज तुम्हारा 500 रुपये गया है, तभी तुम्हारे आंख से बाहर, मुझे मालूम है तुम्हारे पर्स में वही 500 का नोट अकेला था, लेकिन इस बात का कोई इस बात का नहीं। तुम्हारे पास मेहनत है, तुम्हारे पास डिग्री है, मैं जानता हूं कि तुम इस पूरे हालात का कहीं ना कहीं मारी हुई हो, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे मालूम है कि कैसे लड़ा जाना चाहिए, कैसे लड़ेंगे, ये तमाम सारी बातें इसको रखेंगे। मिल गया है कि अब आगे किस चीज से मुझे बचना है। पहले तो ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए तुम्हारा, बिल्कुल मेहनत के साथ ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। आप खड़े रहो, मैं आपसे बात करता रहूंगा। मैं आया, ऑफकोर्स आ रहा हूँ। जी 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 सर, मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ कि सर मेरे को आपके माध्यम से कुछ मुद्दा उठाने का मौका मिला सर। और सर, जैसे नोटबंदी हुआ था सर, उसी तरह जो अपना बेनामी संपत्ति है, सरकार को इस पर भी उठाना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। मतलब जैसे नोटबंदी हुआ था वैसे बेनामी संपत्ति पर भी सरकार को सख्ती दिखानी चाहिए। अभी लोग कह रहे थे थोड़ी थोड़ी जान बची है, वो भी आप मार दोगे पूरी तरह से। पब्लिक जो गरीब आदमी है उसको इसमें तो बेनामी संपत्ति पर सरकार को कब सख्ती दिखाएगी, इस पर वो सवाल पूछ रहे थे। जी मैं आ रहा हूँ, लेकिन तमाम वो सवाल जो मेरे सामने मौजूद हैं मैं उस पर रुक करना चाहूंगा। मैं आऊंगा, लौटूंगा, आपके पास भी आऊंगा, बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा, लेकिन जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनसे तारुफ कराना चाहूंगा। राहुल कश्यप हमारे साथ मौजूद है, पब्लिक अफेयर्स में देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ शो में शरीक करते हैं। दलीप सिंह प्रवक्ता करणी सेना हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार शास्त्री हमारे साथ ब्रह्म समाज से मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। वाई राखी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अजय उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। जैके बेनीवाल धर्म उपदेशक हमारे साथ मौजूद है, और हमारे साथ सुरजीत यादव हिंदू सेना से मौजूद है। ये सवाल ये है कि सेना आपने क्यों बनाई, जब देश में एक सेना है तो जरूरत क्या थी दूसरी सेना बनाने की? सुरजीत जी, एक ही सेना बहुत है साहब। वो सेना बॉर्डर पे शत्रुओं का नाश कर रही है, और यहाँ तो अपनों को ही मार रहे हैं। अपनों को नहीं मार रहे, हमने मारा यासीन मलिक को, दिल्ली में पीटा हमने, हमने जब पाकिस्तान हमला करता है, पाकिस्तान हमले के पठानकोट हमले के बाद पीआईए इंटरनेशनल के ऑफिस में जाके हमने हमला करा। जो देश के अंदर शत्रु हैं, जो भारत के शत्रु अंदर राष्ट्र के अंदर हैं, उनको पीटने का काम हिंदू सेना। भाई राखी, राखी भाई राखी, मैं आपसे जाना, इस काम के लिए माफ करिएगा सुरजीत जी, आप पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन इस काम के लिए पुलिस भी है, व्यवस्था भी है, आखिर सेना बनाने की क्या जरूरत है? ये हिंदू सेना की क्या जरूरत है जब देश में पुलिस है? बोले साहब हम यहाँ पे जाते हैं मारपीट करते, मारपीट के लिए सेना बनाई जाती है? कि अगर ये सेना नहीं बनाएंगे तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा कैसे उठाएंगे? और एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके चैनल को बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोगों की कोशिश की वजह से पद्मावती इतना अच्छा कर पाई और लोग डरे नहीं। और दूसरी बात, पद्मावती रिलीज होने के बाद मैं करणी सेना का वेट करती रही कि वो एक 8 महीने की बच्ची का रेप हुआ, मैंने सोचा करणी सेना बोलेगी कि 1 करोड़ रुपया देंगे, ढूंढ कर लाओ उस रेप करने वाले को, लेकिन करणी सेना सोती रही, कोई जवाब नहीं दिया करणी सेना। करनी सेना को केवल हिस्ट्री चाहिए।
कहा जा रहा है, लेकिन मैं आ रहा भाई, भाई आ रहा हूँ, ये करणी सेना कहा जा रहा है, लेकिन बराबर के भागीदार आप भी हैं। आप ब्राह्मण समाज, नहीं नहीं जो विरोध करेगी अब उसका, यहाँ बैठी हुई बैरियर हो रही है, बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहे हैं, लोगों के पास नौकरी नहीं है, हिंदू मुस्लिम में देश जलता जा रहा है, ये उत्तर आ जाते हैं ब्राह्मण के। प्रतीक भाई, मैं राखी जी को एक चीज बता दूं कि राखी जी ने कितना विरोध किया, कितना ऐसा किया कि जो जिसका रेप हुआ उसके लिए, सुनिए अब बात सुन लीजिए, आप राखी जी बात सुन लीजिए। प्रतीक भाई, रही बात एक चीज ये कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, निर्भया का जब रेप हुआ था तो उसमें उठने वाला दिलीप चौहान था, वो किसी सेना से नहीं जुड़ा। और रही बात ये, जो भी सेना संगठन बनती है वो अपने समाज के, और हिंदू जो भी अपने समाज उसको बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए संगठन बनते हैं, तो दूसरी बात, अब राखी जी को बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि राखी जी जिस समुदाय से जुड़ी हैं, जिस समुदाय से जुड़ी हुई हैं, तो उसे उसके ऊपर कोई आर्च आएगी तो उन्हें तकलीफ होगी। राखी जी जिस समुदाय से जुड़ी हुई, मैं आ रहा हूँ, राखी जी जिस समुदाय से जुड़ी है उस पर जब आर्च आएगी तब उनको तकलीफ होगी। मैं हिंदू समाज से जुड़ी हूँ और भारत माता की जय, मैं सिर्फ हिंदू, भारत माता की जय। प्रतीक भाई, जिस झांसी रानी की बात कर रहे हैं वो एक महिला थी, अगर उसके साथ अगर कोई गलत चीज दिखाएगा, अगर गलत दिखाएगा तो इतिहास, जो हम इतिहास पढ़ते हैं, हमारे बच्चे जो हमने स्कूल में पढ़े हैं, जो इतिहास हमने पढ़ा उसी को तो हमारा भविष्य देखता है कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने क्या किया, अगर उनके साथ गलत दिखाएंगे तो हमें तकलीफ होगी। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए कि आखिर देश में सेना है, देश के अंदर पुलिस व्यवस्था है, तो आखिर सेना बनाने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? मैं बताता हूँ, मैं आता हूँ। आज मैं करणी सेना, हिंदू सेना, ब्राह्मण महासमाज, तमाम सारे लोग खड़े हैं, और मैं मैडम मैं आता हूँ आपके पास, मैं आपको खड़ा करना चाहता हूँ, आप इस समय आपको खड़ा करना चाहता हूँ, खड़े होइए। इनके साथ कौन थे? कितने दिनों से आप परेशान हैं? हम 10 साल से। 10 साल से किस लिए परेशान हैं? शुगर उगर, मतलब बीमार है, मेदांता में हम लोग इनका इलाज कराने आए हैं। मेदांता में जी, तो आपको देखिए हम लोग यहाँ रुक गए, इनको टहलाने के लिए डॉक्टर बोले, फिलहाल आए गए। सवाल ये है कि तमाम ऐसे लोग, जी मैं आ रहा हूँ जी, उस महिला का जिक्र जो आप कर रहे थे कि जिसको समाज के लिए जरूरत थी। हाँ जी, वो कौन है, कहाँ है? ये मेरी माताजी दलित हैं, 75 साल की हैं, उनकी पेंशन का है 20-22 साल से, डिपार्टमेंट बहुत परेशान कर रहा है, पुराने टाइम से ना तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कोई नहीं सुनता, चिट्ठियां लिखी हैं, RTI का जवाब नहीं देते, कुछ नहीं करते, आज भी वो पेंशन के लिए परेशान है, इसलिए पालिका बाजार में आके यहाँ पर बैठ गई है। मैं जानना चाहता हूँ, अगर ये सेना है, मैं सवाल है, अब आपको लग रहा होगा कि सेना पे सवाल पूछा और उधर महिला के पास क्यों चले गए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सेना ऐसे मुद्दे क्यों नहीं उठाती जो यहाँ पे बैठे हुए सेना वाले लोग हैं, कि महिलाओं के लिए न्याय हो, महिलाओं को पेंशन मिले, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उनके लिए सामने आए, क्यों नहीं उठाती है? मैं आना चाहता हूँ, मैं आता हूँ आरोप बेनवाल जी। जी जी सर, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहूंगी और करणी सेना वालों की भी, कि पद्मावती तो बहुत पहले की हैं, एक युग के पहले की, और आज जो 2 साल की बच्ची के साथ, 8 महीने की बच्ची के साथ, 10 साल की बच्ची के साथ, 14 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, तब कहाँ होते हैं सारे लोग? जब वो लड़कियों का रेप होता है, रेप करने के बाद उनको जला दिया जाता है, तब कहाँ होते हैं करणी सेना वाले लोग? तब कहाँ है प्रधानमंत्री हमारे? तब कहाँ है देश? सवाल है, गहरे सवाल है राजकुमार जी। जो हमारी बहन सवाल खड़ा कर रहा है, बिल्कुल एकदम लाजमी सवाल है, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा अगर जिम्मेदार है तो सुप्रीम कोर्ट और भारत की सरकार। नहीं, मैं आ रहा हूँ। दलीप भाई मैं आ रहा हूँ जी। प्रतीक जी, मुझे बताइए, अगर जब देश की संस्कृति, सनातन संस्कृति नहीं बचेगी, आज इस झंडे के नीचे आप खड़े हैं, वो लक्ष्मी बाई का अगर जब ना होती तो ये हम लोग हंसते नहीं, आवाज नहीं देते, भारत माता की जय नहीं बोलते, हम आज लक्ष्मी नहीं दिलवाई हो 1857 से और 1947 तक, किसने दी गांधी तक, आजादी की पहली लड़ाई हमारी लक्ष्मी बाई ने दिलवाई। आज मुझे बताइए,
आज हम इस चौक पे खड़े हैं और भारत माता की जय बोल रहे हैं। हमें डिवाइड करने वाले कौन है? ये अंग्रेज लोग हैं। अरे अंग्रेजों ने हमें डिवाइड कर रखा है। आज एक दूसरे के सुर से सुर नहीं मिला रहे हैं और हम लोग क्यों नहीं सुर मिला रहे कि अंग्रेजों ने कलाई फोर्सेस दी, उन्होंने मुगलों को यहाँ भेजा, खुद राज किया। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भाइयों, आज हजारों कंपनी आ गई है। नौजवान गरीब एक भी नौकरी, अभी आपने नौकरी का कहा बात की, किसने कहा है? ये अंग्रेज डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर रहे हैं। आज हमारा देश आजाद है। आपको लगता है कि सेनाओं की जरूरत नहीं है? किसी सेना की जरूरत नहीं, हमें बांटा जा रहा है आपस में, हमें आपस में बांटा जा रहा है अंग्रेजों की। आपने सेना क्यों बनाई? आपकी सेना की रेलेवेंस क्या है? हमारे देश में कश्मीर से यासीन मलिक भारत को सेना को गाली दे के दिल्ली में घूमता है, हम नहीं घूमने देंगे। पीटा उसको अच्छी तरह पीटा। पाकिस्तान ने पठानकोट में हमला करा, हमने पाकिस्तान एयरलाइन में हमला करा। ये यासिन मलिक को जो है पीटेंगे, यहाँ पर घर के अंदर यासिन मलिक लड़कियों का रेप कर रहे हैं, ये उन्हें नहीं पकड़ेंगे क्योंकि उससे इन्हें पब्लिक सिटी नहीं मिलती है, उससे इन्हें नाम नहीं मिलता है। अरे बेटियों को सिक्योर करो, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा छोड़िए, आप सही बात कीजिए, धर्म के नाम पे मत लड़िए। धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं आप, जनता को लड़ रहे हैं। खुद की बेटी जब तक घर नहीं आती। यादव जी एक सभ्य समाज में, एक मिनट, पिन ड्रॉप साइलेंस, एक भी नहीं बोलेगा। हम सभ्य समाज में रहते हैं, हम तालिबान में नहीं रहते हैं। हम सभ्य समाज में रहते हैं। इस देश में सुनिए यादव जी, इस देश में एक कानून है, एक कानून व्यवस्था है जिसके तहत हम लोग चलते हैं। हम जब कहते हैं चुप रहो तो सब चुप होते हैं, आप उस व्यवस्था को तोड़ते हैं, उसमें आघात लगाते हैं और आप जैसे लोग गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं। वो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक जी, सिर्फ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लक्ष्मी बाई, देश के नाम पे लड़ो, धर्म के नाम पे क्यों लड़ रहे हो? ये क्यों कहते हो कि हमने धर्म की सेना बनाई, हिंदुस्तान की सेना बनाई, ये बोलो। इन लोगों को शर्म भी नहीं आती है सर, हिंदू मुस्लिम करते चले जाएंगे, देश आपसे जवाब पूछेगा। भगत सिंह को, सुभाष चंद्र बोस को, लक्ष्मी बाई को, महाराणा प्रताप को आप जाति और धर्म में मत बांटो। अशफाकुल्लाह को, इन लोगों ने देश के लिए लड़ाई लड़ी है। ये ना तो ये हिंदू है, न ये मुस्लिम है, ये देश के सिपाही थे और इस देश के वो गद्दार है जो इनको जाति और धर्म में बांटते हैं। यादव जी सुनिए, डिबेट सुनिए। देश के वो गद्दार है जो लक्ष्मी बाई को, भगत सिंह को, सुभाष चंद्र बोस को जाति और धर्म के दायरे में बांटते हैं। बिल्कुल सही बात। प्रतीक भाई, सबसे बड़े गद्दार तो यही हैं जो इनके सम्मान नहीं करते। आज देश की सेना, अरे सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अरे सुन तो लो ना, सुन तो लो, सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। तुम सबसे बड़े गद्दार जो अपनी सेना का सम्मान नहीं करते। अरे तुम्हारे जैसे लोगों का तो पाकिस्तान जाना चाहिए, और मेरा अगर पास चले तो तुम्हें उठा के सीधा पाकिस्तान में। तुम्हारी क्या पदमाती है? तुम्हारा समाज क्या है? तुम कहाँ से आए? तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है। महाराणा प्रताप के लोग नहीं, मान सिंह के औलाद। दलीप भाई, वेरी सीरियस टॉक। मैं राहुल आपके पास आना चाहता हूँ। एक लंबे समय तक आप टेलीविजन की पत्रकारिता करते रहे, पेपर में लिखते रहे, इंटरनेशनल नेशनल प्लेटफॉर्म्स में रहे। मैं जानना चाहता हूँ कि ये पहचान करने की जो राजनीति हो रही है, कि मेरी पहचान हो राजनीति में, समाज में, तो किस तरह का रास्ता अपनाया जाए, ये किस तरह की राजनीति है? देखिए, लोकतंत्र उतना ही मजबूत रहता है जितना कि उसके इंस्टीट्यूशंस मजबूत होते हैं। क्या बात है। और उसके इंस्टीट्यूशंस जितने कमजोर होंगे, लोकतंत्र उतना ही कमजोर होता चला जाएगा। हम लोग जो देख रहे हैं अभी, वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जनरेटेड सोशल मोबिलाइजेशन का परवर्टेड फॉर्म है। ये अगर आप देखेंगे कि असल में क्या हुआ है, कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ने वो नंबर्स की कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दिए हैं जिस पर कि पार्टियां चलती रही हैं, राज करती रही हैं। ये जो आउटफिट्स आप देख रहे हैं, वो अपना पाउंड ऑफ फ्लैश डिमांड करने के लिए कर रही हैं, इनका दूसरा कोई मतलब नहीं है। सोसाइटी में अपने चुनाव के वक्त ये जो अपने जो आउटफिट्स हैं, क्षत्रप जो तैयार हो जाते हैं, ये अपना पाउंड ऑफ फ्लैश डिमांड करते हैं, और डेमोक्रेसी इन द लॉन्ग टर्म is the biggest loser. Democracy in the long term is the biggest loser. ये सवाल है और ये बात है। identity crisis है क्या? सवाल ये है कि समाज में कैसे पहचान बनाई जाए,
पहचान कैसे बनेगी? सेना बनाई जाए, अपने हाथ में कानून लिया जाए, हम उसको मारेंगे। अरे भाई पुलिस तो है नहीं, उसने गाली क्यों दी तो हम मारेंगे। तो जो ये बोलने की और बोलते जाने की अलग तरह तरह से लगातार बोलते जाने की आदत है, शायद समाज में ज्यादा बोलने की आदत हुई है। इस पर बात करेंगे, वक्त है छोटे से ब्रेक का। सारे रास्ते ढूंढेगा हमें ये जमाना कहाँ, गजब का है ये दिल, गजब का है ये दिल, गजब का है ये दिल, देखो जरा गजब का है। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कुछ कहना चाहते हैं आप? बहुत देर से आप बहुत दूर से आते हैं, क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं सर कि हम सोनभद्र में से हैं, वहाँ बिजली का सबसे ज्यादा एनटीपीसी जो एक मिनट, अगर आप दूसरे की समस्या सुन नहीं सकते तो यकीन मानिए आपकी समस्या कभी दूर नहीं होने वाली है। जी जी बाबू सर, हाँ वहाँ एशिया का सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन हम लोग करते हैं, एनटीपीसी है, अनपरा है, बीजपुर है, ओबरा है हमारे सोनभद्र में, लेकिन हम हवन करके अपना हाथ जला रहे हैं, हमारा हाथ बचाया जाए, इनका जो अपशिष्ट गिरता है, जो राख आता है इनका, वो हमारे पानी को जहरीला बना दिया है, जिससे वहाँ बहुत जल्दी मौत हो जा रही है, 30 साल में लोग 60 साल के हुए जा रहे हैं, लोगों की हड्डियाँ गल रही हैं, लोग अपंग हुए जा रहे हैं, हम तो बिजली दे रहे हैं लेकिन हम अपने लिए मौत खरीद रहे हैं, कृपया इसे ध्यान दिया। सोनभद्र की ये समस्या है उत्तर प्रदेश की, जहां पर पानी जहरीला हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल ये आवाज उठाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सोनभद्र का दौरा होना चाहिए भैया जी, कहीं सोनभद्र में जरूर होना चाहिए, जरूर आइए, जरूर जरूर जरूर, 100% सोनभद्र छूटा है, सोनभद्र में शो होगा, जरूर होगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको कुछ कहना है? मैं हिमाचल से आई हूँ। हिमाचल, क्या बात है, यकीन मानिए मन करता है वहीं हिमाचल में ही बस जाएं जाके, इतना सुकून है, इतना सुकून है। ये शो आपका वहाँ भी हो। एक चीज मैं ये कहना चाहती हूँ, अमित शाह ने जो बयान दिया था संसद में कि बच्चे जो हैं पढ़ लिख कर पकौड़े तलें, तो हम अपने बच्चों को इतना क्यों पढ़ाएं, उनके ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट क्यों करें? अगर हमें पकौड़े ही तलवाने हैं तो हम शुरू से ही बच्चों को पकौड़े तलने में क्यों नहीं लगाएं? हैं, अब क्या नाम, प्रधानमंत्री जी कहते हैं चाय बनाओ, अमित शाह कहते हैं पकौड़े तलो, तो हम जो 20-25 लाख इन बच्चों पे लगा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? बच्चे आपका, ये मेरा बच्चा बीटेक कर रहा है, बीटेक कर रहे हैं, तुम पकड़े पकड़े वाली बात चक्कर में ना फंसना, ये वो राजनीति वाली बात छोड़ दो तुम। अब ये बोले ये इन बच्चों से हम पकोड़े तलवाएंगे? नहीं, अरे पकोड़े वाले पकोड़े तलेंगे, ये देश का होनहार भविष्य है। ऑल द बेस्ट, क्या कौन सा ट्रेड है, किस में कर रहे हो बीटेक? इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। क्या नाम है? आयुष। बहुत बहुत शुभकामनाएं आयुष, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबूजी आज नहीं आ पाऊंगा मैं आपके पास, माफी चाहूंगा जी। जी मुझे एक बात कहनी है, हमारे खूब लड़ी लड़ाई वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी बरतानी वो तो झांसी वाली रानी थी उस टाइम पर। एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं आपके लिए नहीं कह रही, एक बार मेरी सुन लीजिए, आप मेरी बात सुनिए, क्योंकि देश तक शास्त्री जी, देश तक ये मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है। एक मिनट चुप हो जाइए, एक मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट आप मेरी बात तो सुनिए। अरे भाई इनको आप चुप कराइए, प्रतीक जी मैं जो मैसेज दे रही हूँ वो बहुत जरूरी मैसेज है, देश की रानी, आप एक महिला के सामने चुप। राजकुमार जी शास्त्री ये कहते हैं कि अपाला जब बोले तो शास्त्री को भी चुप हो जाना चाहिए, अपाला है ये, आप चुप हो जाइए। मैं इनकी बहन भी हूँ, मैं आपसे, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुनिए शास्त्री जी, आप इन्हें चुप कराइए, आप समाज को बरगला रही हैं, आपको रानी झांसी लक्ष्मी बाई के बारे में कुछ नहीं पता, आप दुर्गावती के बारे में कुछ नहीं जानती हैं। अरे किसने, मैं मानती हूँ मुझे झांसी रानी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे सुन तो लो मैं जो बोल रही हूँ। अरे मैं आपके ब्राह्मण समाज की बात कर रही हूँ, एक बार सुन लीजिए जी, आपके पास बोलने को कुछ नहीं है इसलिए आप बातें कर रहे हैं, आप सुनिए प्रतीक जी। शास्त्री जी, अरे आप मेरी बात सुनिए, देखिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने देश के लिए अपने 23 वर्ष की आयु में अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, अपने पुत्र के वियोग में भी, अपने पति के उपरांत भी देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने आप को दांव पर लगा दिया। रानी दुर्गावती ने जहाँ, सब जानते हैं लेकिन आप विरोध क्या कर रहे हैं, जहाँ पर भी रानी लक्ष्मीबाई ही नहीं, आज की महिलाएं भी सभी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है,
और अगर किसी भी महिला के ऊपर किसी प्रकार का इस प्रकार जैसे पिक्चर बनेगी और उनकी मर्यादा का भंग उल्लंघन किया जाएगा, ब्राह्मण समाज उसके लिए सबसे पहले आगे आएगी। दलितों पर अगर किसी पंडित जी, एक बात आपकी मैं मानता हूँ, फिक्शन इज अ फिक्शन। देखिए पंडित जी, एक बात आपके आपकी बात का एक समर्थन करता हूँ मैं, आपकी एक बात अरे भाई ब्राह्मण समाज मेरे पास भाई, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, मैं एक बात आपकी मानता हूँ, फिक्शन जो है वो फिक्शन है, इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ और हमारे जो चरित्र है, अरे सुनिए तो, पद्मावती की वो सभा नहीं है, उनके उन क्षत्रियों को मैं धिक्कार करता हूँ। मेरे को उधर आके बात करनी पड़ेगी, आप मेरी बात सुनिए, पहले आप बात सुनिए। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ, खूब लड़ी लड़ाई, वो तो झांसी वाली रानी थी, उस सदी में वो मर्दों की तरह लड़ी थी। इस सदी में हमारी सरकार स्लोगन बताती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे क्या बेटी को बचाओगे, बेटी तुम्हें जन्म देती है। स्लोगन बनाओ, बेटा पढ़ाओ, बेटे को समझाओ, ना समझे तो थप्पड़ लगाओ ताकि बेटियां सुरक्षित हो। देखिए नहीं नहीं देखिए देखिए नहीं राखी देखिए देखिए राखी जी की बात में मैं सहमत हूँ, हमारी हर देश की महिला रानी की झांसी है, झांसी की रानी है। लेकिन एक बार नहीं देखिए, अरे हम सब हिंदुस्तानी हैं, आपको मालूम है ये भारतवर्ष नाम किससे पड़ा है? हमारे संत ऋषि, हमारे ऋषभ भगवान के अवतार के पहले पुत्र भारत, उसे भारतवर्ष, पहले इसका नाम था अजनावर्ष। अरे भारत देश नहीं बचेगा तो आप किसको बचाएंगे? आज अंग्रेज दोबारा से फिर आ गए हैं, हजार कंपनियां लेके आए, बोलिए भारत माता की। लेकिन आप बांटने का काम करते हैं, लेकिन इतिहास इतिहास जो है मुझे भी मालूम है, मेरे भी सेंटीमेंट्स हैं, मेरे भी सेंटीमेंट्स हैं। समाज में ब्राह्मण ने सबसे पहले महिलाओं के सम्मान की रक्षा की, दलितों के सम्मान की। जब पुणे में दलितों के ऊपर अत्याचार हुए, महिलाओं पर अत्याचार हुए, सबसे पहले ब्राह्मण सभा ने जाकर के वहां पर उनका साथ दिया और अत्याचारियों को बाहर रखा। ब्राह्मण राजपूत यही बट के रहेगा देश। प्रतीक भाई ना तो ब्राह्मण सुनिए सुनिए, सभा नहीं है, सुनिए इनके विरोध के बाद विरोध क्या, ऐसे लोग का फायदा क्या? आप राजपूत समाज पे हैं, अब आप राजपूत समाज पे विरोध करने लगे? मैं नकली सभा है, इनके विरोध के बाद कितना विरोध? शास्त्री जी रुके रुके, आई विल आस्क हिम, आई विल आस्क हिम। ये राजपूत भी असली और नकली हो गए क्या? राजपूत नकली राजपूत हैं, जिनके विरोध के बाद भी देश में पिक्चर चल गई। हमारे विरोध के बाद देश में महारानी लक्ष्मीबाई पर पिक्चर चल जाए, हमारे जीवन को धिक्कार है। प्रतीक भाई, अब प्रतीक भाई मैं आपको बताता हूँ, ये कह रहा है, सुनिए सुनिए, मैं सुनगी सारी बात। शास्त्री जी ने जो बात कही कि राजपूतों को होते हुए फिल्म चल गई, कोई नहीं फिल्म आने वाली है, लेकिन ये तो खैर रुकवाने की इतनी इनकी हैसियत नहीं है कि रुकवा पाएंगे, लेकिन राजपूत उसका जरूर विरोध करेंगे। उसका कारण बताता हूँ, उसका कारण एक ये है कि गलत, अगर कोई इतिहास में फिल्म बननी चाहिए, लेकिन उस पर गलत आप अगर तथ्य रखेंगे और गलत तरीके से अगर फिल्म दिखाएंगे तो उसका हर फिल्म का विरोध होना चाहिए। रही बात अभी सब विरोध करने की, कि जिस तरीके से अब आगे फिल्म रानी झांसी रानी की फिल्म आएगी, अगर वो अच्छी फिल्म हुई तो उसको चलवाएंगे, लेकिन अगर गलत इतिहास पे हुई तो उसका विरोध सबसे पहले। धमकी दे रहे हैं। जिस तरीके से पद्मावत फिल्म को रुकवाया, कि हमने नो स्टेट में फिल्म को रुकवाया। नहीं, धमकी नहीं दे, मैंने कहा तो कि जो भी फिल्म अगर गलत होगी तो वो फिल्म नहीं चलने दे किसी भी। जो बादल गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं है। कड़ी सभा ने राजकुमार जी बहुत बहुत अफसोस के साथ, मुझे तो लग रहा था कि आप बोलेंगे, आपने राजपूत समाज पे ही सवाल खड़ा कर दिया, बहुत, क्योंकि इनकी आवाज में कोई दम ही नहीं है। इनके विरोध के बाद शास्त्री जी, आपको कहते हुए शर्म आनी चाहिए कि सबसे ज्यादा राहुल, ये देखिए नतीजा होता है, जब बटता है समाज तो कहां तक बटता चला जाता है, इसका अंदाजा देख लीजिए। कैसी त्रासद स्थिति, इससे खराब क्या हो सकता है? और ये लोकतंत्र है जिसमें देखिए, अरे रुकिए राजकुमार जी, थोड़े पिछले कई दशकों से हमने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, और सामाजिक न्याय की लड़ाई का अगला चरण क्या होना चाहिए था? अगला चरण सामाजिक एकता होनी चाहिए थी, और ये जो पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन हम लोग लगातार देख रहे हैं, ये कहाँ तक जाएगा? ये वो अंधा कुआं है जो जहाँ तक पूरी जनता को, इस देश के भविष्य को डुबाता चला जाएगा। अजय उपाध्याय जी, निश्चित तौर पे अभी जिस तरह से
करणी सेना, हिंदू सेना, पद्मावती, लक्ष्मीबाई, मुद्दा ये नहीं है। इस देश में मुद्दा आज भी किसान है, इस देश में मुद्दा आज भी प्रजातंत्र की रक्षा है, आज भी संस्थाओं की सुरक्षा है, आज भी चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह है, सुप्रीम कोर्ट तक पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इसको रोकिए, प्रजातंत्र को बचाइए, देश को बचाइए। संस्थाएं सर्वोच्च होती है, जो आपने कहा था। देखिए, आज का युग धर्म युवाओं का युग धर्म है, उन्हें अपना युग धर्म पहचानना पड़ेगा। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छी बात कही। मैं आ रहा बेटा, एक मिनट, लड़का खड़ा बहुत देर से। भैया सभी को मालूम है कि 10 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन लागू हुआ था। अच्छा, तुम ले आए इस बरैया का छत्ता। लेकिन कोई भी उस पर मुद्दा नहीं उठाता है कि रिजर्वेशन बंद करा जाए। हम नई पीढ़ी की, हमारी क्या प्रॉब्लम है, हम थोड़ी किसी के साथ भेदभाव करते हैं। हम बेरोजगारी से भी दबे जा रहे हैं और रिजर्वेशन कारण भी दबे जा रहे हैं। आरक्षण सर बंद होना चाहिए, मेन मुद्दा ये है। ठीक है, मैं तमाम सारे मुद्दे लेता हूँ, इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैं फुटपाथ पे खड़ा होता हूँ और मुझे नहीं पता होता कि कौन सा मुद्दा कहाँ पर उठेगा। आज नहीं, बस अभी इतना वक्त पूरा हुआ, लेकिन फिर मुलाकात होगी आप सारे लोगों से, कल फिर मिलेंगे। लेकिन आज भैया जी कहीं